Good morning, class. Today I am teaching you one very beautiful poem, that is The Darkling Thrush, written by Thomas Hardy. And this poem is in your syllabus in the CBSE as well as in ICSE board schools in different classes. Okay? Children, आज हम लोग द डार्कलिंग थ्रश थॉमस हार्डी का लिखा हुआ पोएम को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पोएम है। इस पोएम में हम लोगों को एक बहुत अच्छा थॉट के बारे में बताया। आदमी ज़िंदगी में जब बहुत निराश हो जाता है, होपलेस हो जाता है, तब बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन ये ज़िंदगी ऐसा नहीं है। हम लोग पेसिमिस्ट विचारधारा से उठकर ऑप्टिमिस्ट विचारधारा में आ सकते हैं। ये पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, ये दो आइडिया का ये पोएम है। आप लोग न्यूज़ में भी कई घटना ऐसा सुने होंगे, बहुत दुखद घटना। हम लोग जब इस तरह का घटना सुनते हैं, वाकई में बहुत हार्ट टचिंग, दिल दुख जाता है। जे कोई यंग मैन कोई भी फील्ड का क्यों ना हो, डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में जाते आते वो सुसाइड कर लिया। क्या ये सही है? क्या जिंदगी यही है? मैं तो कहूँगा ऐसे डिप्रेशन में जाने वाले लोगों को इंग्लिश लिटरेचर का ये पोएम जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे कई पोएम है। क्लास टेंथ फर्स्ट फ्लाइट में भी एक पोएम है, छोटी सी पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द डस्ट ऑफ स्नो। देखो उसमें भी बताया, इंग्लिश पोएट्स लोग कई पोएम्स में बताए, चारों तरफ जब निराशा देखो तब भी हमें आशा की किरण नजर आती है। इस पोएम में आप देखो थॉमस हार्डी ने सेम थिंग को बताया। वेदर ही वॉज वॉचिंग दैट द 19th सेंचुरी वॉज पासिंग बाई। 19th सेंचुरी क्या है? ये सेंचुरी हम लोग काउंट कैसे करते हैं, ये जानकारी रखना जरूरी है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग माई वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू दैट यू विल रिमेन विथ मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट मैनी अदर गुड क्वालिटी ऑफ वीडियोज ऑन द टॉपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ द अबाउट द पोएम। जो बात हम आप लोगों को कहने जा रहे थे सेंचुरी के बारे में, सेंचुरी हम लोग कैसे काउंट करते हैं ये जानकारी रखना जरूरी है। 19th सेंचुरी मीन्स 1800 से लेके 1899 तक। जैसे अभी कौन सेंचुरी चल रहा है? 21st सेंचुरी मीन्स दैट 2000 से 1, 2, 3, 4 करके जब 2099 होगा तब तक हम लोग 21st सेंचुरी कहेंगे। इज इट क्लियर टू यू? नाउ सी दैट थॉमस हार्डी वॉज एट द दैट सिचुएशन वेयर ही बेट द सेंचुरी। गुड बाय कर रहे हैं, अब अलविदा हो गया, एक सेंचुरी खत्म हो गया, सब कुछ अब लग रहा है जो मरा पड़ा हुआ है, कोई जगह में आशा नज़र नहीं आ रहा है, चारों ओर सुनसान, बर्फ़ से ढका हुआ। इंग्लिश लिटरेचर में आइस दैट सिम्बलाइजेस, आइस सिम्बलाइजेस द स्नोफॉल, दैट थिंग्स सिम्बलाइज द अनहैप्पीनेस। कहीं रोमांटिज्म नज़र नहीं आ रहा है, स्नोफॉल होना, चारों तरफ से कोल्ड,
आइस से ढका हुआ है, ये सभी सिचुएशन बताता है लाइफलेस थिंग्स का। इंग्लिश लिटरेचर में ऑटम, स्प्रिंग, ये सभी जो है फ्रूटफुलनेस है, न्यू लाइफ का सिम्बलाइज करता है। ओके, सो दैट वी कैन से दैट द डार्कलिंग थ्रास वॉज कंपोज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द 19th सेंचुरी, 31st December 1899. क्लास, यू शुड नो अबाउट इट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। द पोएम मार्क्स एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ हार्डीज माइंड एंड आर्ट। हार्डी हैड सो फार बीन ए नॉवलिस्ट एंड हीज आउटलुक ऑन लाइफ वॉज पैसिमिस्टिक। मैंने आपको अभी भी बताया, पैसिमिस्टिक आइडिया से भरा पड़े लोग हैं, ऐसे थॉमस हार्डी थे। जीवन में चारों तरफ से निराशा देख रहा है, जो कुछ नहीं है, चारों तरफ जीवनहीन, लाइफलेस, ये सेंचुरी जा रहा है, हैं, कोई कोई फ्लावर्स नज़र नहीं आ रहा है, कोई फ्रूट नज़र नहीं आ रहा है, केवल कोल्ड आइस कवर्ड प्लेस। ऐसे जगह में थॉमस हार्डी खड़े हैं। एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी ही सीज टू बी ए नॉवेलिस्ट एंड बिकम ए पोएट अगेन। एक नॉवेलिस्ट मूड से ये सब देख के उसके बाद उनको लगता है, एक छोटी सी बार्ड, देखो जिंदगी बहुत छोटा छोटा चीज भी बदल सकता है। आपके जिंदगी में बहुत बड़े लोग आएंगे और सब कुछ बदल देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मामूली सा आदमी भी आपका जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। एक छोटा सा थ्रास पक्षी थॉमस हार्डी को पेसिमिस्ट मूड से ऑप्टिमिस्ट मूड की ओर ले जाते हैं। सो दैट वी कैन से दैट द डार्कलिंग थ्रास रिप्रेजेंट्स दिस चेंज ऑफ मूड इन द लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी। ओके, दिस इज द थ्रास, लुक एट द पिक्चर चिल्ड्रेन। क्लास, लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। यू सी द फर्स्ट स्टेंजा। I leant upon a coppice gate when frost was spectre grey and winter's dregs made desolate the weakening eye of day. The tangled bean stems scored the sky like strings of broken lyres, and all mankind that haunted me had sought their household fires. देखो, कवि एक विंटर डे में, मैंने पहले ही बताया 31st दिसंबर, आप सोच सकते हो यूरोप में कितना ठंडी होती होगी, चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है, एक वुडन गेट के सामने खड़े हैं। द विंटरी सीन वॉज डिसोलेट, चारों तरफ से लग रहा है उदासपूर्ण एक वातावरण है, कोई चार्मिंग नहीं है। डिसोलेट मीन्स उदासपूर्ण। Nature was dull and desolate all around. The poet, like everything else around him, felt unenthusiastic. जीवन में उनका कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है, ऐसे मूड में कवि खड़े हैं। वो कह रहे हैं क्या है, It was the cold hour of the evening when all human beings who wander about in the nearby places had gone back to their homes in order to warm themselves by their household fire. लोग आग तप रहे हैं। मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी करके मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझने सुविधा हो। मैं तो ये बात बता सकता हूँ, इस पोएम आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने के बाद कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस पोएम का थीम आप आसानी से समझ जाओगे, केवल लास्ट तक इस वीडियो को देखो, बहुत सुंदर एक पोएम है। सभी लोग ठंडा में जैसा होता है, हम लोग भी देखे हैं, शहर में देखोगे दिसंबर महीना में 8 बजे के बाद, बड़े बड़े शहर में भी 8-9 बजे के बाद लोग रास्ता में नज़र नहीं आते हैं, अपने घर में छुप जाते हैं, फायर के सामने आग तपते हैं। सेम थिंग इज़ दियर। कवि भी कह रहे हैं, थॉमस हार्डी भी कह रहे हैं,
सभी लोग अपने अपने घर में हाउस होल्ड फायर के सामने बैठे हुए हैं और कभी देख रहे हैं चारों तरफ डिसोलेट एक उदासपूर्ण वातावरण में वो देख रहे हैं। देखो नाउ क्लास द सेकेंड स्टैंजा, यू सी दैट द लैंड ऑफ फीचर सीम टू बी द सेंचुरीज कॉर्प्स आउटलाइन। वाह, लग रहा जी ये सेंचुरी अलविदा हो चुका है, ये लाश बन चुके हैं, अब इसमें कुछ नहीं आशा है। मतलब हम लोग जैसे करते हैं, होली का त्यौहार आप लोग सब देखे होंगे, आप जानते हो हर साल एंजॉय करते हो, क्या करते हैं होली के होली त्यौहार पहला दिन जो है होलिका के दिन हम लोग जितना घर का कचरा सब कुछ को जला देते हैं, ये साल ख़त्म हो गया अब नया साल शुरुआत होगा, जितना अचरा कचरा सब जला दो। तो दैट इज द थिंग यू सी दैट द वन सेंचुरी इज पासिंग बाय, 19th सेंचुरी इज पासिंग बाय, ये जा रहा है, अब इससे कोई उम्मीद नहीं है, मरा हुआ लाश की तरह जो है पड़ा हुआ है। स्क्रेप्ड द क्लाउडी कैनोपी द विंड हिज डेथ लेमेंट, लगता है जो हवा भी इसका दुख में विषाद गाना गा रही है, लेमेंटेशन, किसी के बिछड़ने में कोई डेथ में जो दुख में लोग गाते हैं कितने अच्छे आदमी थे चले गए, तो दैट इज द सिचुएशन, यू कैन इमेजिन इट। पॉइंट भी बोल रहे हैं क्या है, लग रहा है एक क्लाउडी कैनोपी, कैनोपी में चारों तरफ से घेर लेना, कैनोपी में एक तरह से ब्लैंकेट कर देना चारों ओर से मेघ, ऐसा लग रहा है पूरा नेचर भी लेमेंटेशन कर रहा है, पूरा चारों तरफ से एक उदासपूर्ण वातावरण की एक बहुत अच्छा सिचुएशन कवि ने किए हैं। डेथ लेमेंट गा रहा है विंड भी, हवा भी, ठंड के समय में जो हवा आपको एहसास करो शीतलहरी जो चलता है, आप यूरोपियन कंट्री में सोचो जो कितना ठंडी होती होगी, उसको कवि ने कहा डेथ लेमेंट, द विंड हिज डेथ लेमेंट, द एंशिएंट पर्ल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ वह श्रंकेंट हार्ड एंड ड्राई, लग रहा है क्या जीवन का जो बीज है वो सूख गया है, हार्ड हो गया है। मतलब इस विंटर में कभी देख रहे हैं जो कोई कोई नया चीज आने का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, जिंदगी में कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है उनको जो हाँ अब कुछ हो सकता है, यही चीज को उन्होंने प्रकृति के साथ बताए कि प्रकृति में भी उन्होंने देख रहे हैं जो कहीं कोई नई अंकुर नहीं नजर आ रहा है, न्यू जर्मिनेशन नहीं नजर आ रहा है, चारों तरफ से हार्ड, नो पल्स ऑफ जर्म ऑन बर्थ, कोई जीवन का कुछ भी एक साइन भी नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ से ड्राइनेस नजर आ रहा है। एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ सीम फेयरलेस एज आई, द पॉइंट इज टेलिंग दिस थिंग, द पॉइंट वॉज लेफ्ट अलोन टू म्यूज अपॉन द डिजोलेट सीन, इस डिजोलेट सीन में उनको लगता है अकेले पड़े हुए हैं, उनको कोई छोड़ दिया गया है। द शार्प बैरन आउटलाइंस ऑफ द कंट्री साइड सीम टू बी द कॉर्प्स ऑफ द सेंचुरी, मैंने आपको बताया इसके बारे में, इस सेंचुरी का लाश की तरह पड़े हुए हैं, ऐसे ही उनको लग रहा है। ऑल साइंस, ये सभी चीज जो है ना, ऑल साइंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सीम्ड टू बी एक्सटिंग, सब विलुप्त हो चुका है लग रहा है, अब इस पृथ्वी में कुछ नहीं बचा हुआ है, ऐसा ही थॉमस हार्डी को एहसास हो रहा है। नेचर वॉज ब्लिक एंड बियर एंड द होल वर्ल्ड वॉज डल एंड चेयरलेस, सब कुछ चेयरलेस मतलब खुशीहीन, कोई उल्लास नहीं है जिंदगी में, कोई कोई नहीं लग रहा है जो कोई आनंद है खुशियां है, चेयरलेस। एवरी लिविंग क्रिएचर अपॉन द अर्थ सीम्ड टू बी डिवॉइड ऑफ ऑल एंथुसियाज्म एंड जस्ट,
कोई ही जगह में पोएट कोई जस्ट नज़ारा नहीं आया, नहीं देख रहे हैं। बोलते ना पॉम्प एंड झील, दिवाली वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड झील, इसे लाइक दैट। कहीं कोई उल्लास नहीं, कहीं कोई चेयरफुलनेस नहीं, कहीं हैप्पीनेस नहीं, कोई रोमांटिज्म नहीं, कुछ नहीं नज़र आ रहा है। लग रहा है ये सेंचुरी जो है अब ख़त्म हो गया, सच सच जीवन का सभी चीज ड्राई हो चुका है। द पोएट्स हार्ट वॉज हैवी विद ग्लूम एंड मेलंकोली। मेलंकोली क्राई, मेलंकोली मीन्स दैट बहुत करुण, बहुत विषाद, दुखदायक, दुख से भरा हुआ। तो क्लास आपको जरूर एहसास हो गया होगा, आप जरूर समझ रहे होंगे ये सिचुएशन क्या है, कैसे स्थिति में थॉमस हार्डी इस पोएम को लिखे हैं। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट टू स्टेंजा हमें क्या कहता है। थर्ड स्टेंजा, एटॉन्स ए वॉइस अरोज़ अमंग द ब्लिक ट्विग्स ओवरहेड इन ए फुल हार्टेड एवर सॉन्ग ऑफ जॉय इलिमिटेड एंड एज्ड थ्रस्ट फ्रेल गॉन्ट एंड स्मॉल इन ब्लास्ट बी रफल्ड प्लम ही चोजन दस टू फ्लिंग हिज सोल अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम। देखो दैट इज द थिंग, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया, लोग निराशा में आकर, डिप्रेशन में आकर क्या नहीं कर देते हैं, ये सुंदर दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, बहुत ही दुखद है। मैं तो ऐसा घटना को सुनता हूँ, वाकई में बहुत दुखी होता हूँ कि इन लोगों को सही से काउंसलिंग नहीं किया गया होगा। ये सभी जिंदगी का और चीज़ों को नहीं देखा होगा, नेचर को नहीं देखा होगा। इसलिए मैं हर पॉइंट में मैं बोल कहता हूँ कि ये मोबाइल का दुनिया, स्क्रीन की दुनिया को छोड़कर भी अब वर्ल्ड का दुनिया, वर्ल्ड में बहुत सारा चीज़ है, उसको भी कभी ना कभी देखो। दैट इज हाउ ब्यूटिफुल द नेचर इज। ओके, ना कम टू द पॉइंट। थर्ड स्टेंजा इज टेलिंग अस, दैट स्टैंडर्ड स्टैंजा टेल्स अस, द पॉइंट इज टेलिंग अस। थॉमस हार्डी क्या कह रहे हैं, अचानक एक बूढ़ा मरियल जिसको कहता है बदसूरत, गॉन्ट, बदसूरत मरियल, सूखा हुआ बूढ़ा जिसका पंख सब चितर बितर हो गया है। देखते ना बूढ़ा कोई चिड़िया जब पेड़ पर बैठा हुआ रहता है, आपने क्रो को देखा होगा, बहुत सारा चिड़िया देखे होंगे जे बहुत एजेड हो गया होगा, कबूतर को देखा होगा इस तरह का एजेड स्थिति में, एक बूढ़ा सा थ्रास, उसका पंख सब थितर बितर हो गया है, फ्रेल बेचारा, कमजोर है, बदसूरत है, गॉन्ट, छोटा सा, बहुत जोर जोर से जितना दम हो सकता है उस दम से जो है बहुत सुंदर गाना गाता है। मीन्स दैट सडनली अ वॉइस अरोज फ्रॉम अमोंग द लीफलेस ब्रांचेस ओवरहेड सिंगिंग एन इवनिंग सॉन्ग टू एक्सप्रेस अनलिमिटेड हैप्पीनेस। असीमित आनंद से भरपूर होकर इतना आनंद मिला कहाँ से, ये कवि को समझ में नहीं आया। ये ऐसा स्थिति में जहाँ पर कवि कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, जिंदगी बेकार लग रहा है उनको, सब कुछ पृथ्वी मर चुके हैं लग रहा है, जे एक लाश पर मैं खड़ा हूँ, ऐसे डिसोलेटेड प्लेस में, ऐसे निराशाजनक जगह पर, उदासपूर्ण जगह में, चारों तरफ सब जब उदासी छाया हुआ है, कवि ने एक थ्रास पक्षी का गाना सुना और इस गाना ने बहुत ही
कुछ बताया। खुश होकर अनलिमिटेड हैप्पीनेस, पोएट टेल्स अस दैट अनलिमिटेड हैप्पीनेस। द सॉन्ग केम फ्रॉम एन इजिट थ्रास व्हिच वाज वीक एंड लीन विथ फेदर्स बैडली बिटन एंड डिसऑर्डर्ड बाय द स्टॉर्म। आंधी तूफान से पंख सब इधर उधर हो गया होगा। पृथ्वी का हर चीज जब ऐसा था, द अर्थली ऑब्जेक्ट वेदर इन द डिस्टेंस और नियर बाय प्रोवाइडेड नो बेसिस फॉर द थ्रस टू सिंग ए सॉन्ग ऑफ सच जॉय। इतना खुशी का गाना गाने का कोई भी सिचुएशन नहीं था। इस जगह में देखो कवि कितना सुंदर हर चीज को कंपोजिंग किए हैं, सो दैट ही इज द ग्रेट पोएट। ऐसा पेसिमिस्टिक मूड में, ऐसा पेसिमिस्ट एनवायरनमेंट में एक बूढ़ा सा चिड़िया आकर एस्थेटिक सॉन्ग को सुनाता है, बहुत ही आनंदित गाना, जैसे अति खुश होकर, परमानंद होकर, अति आनंदित होकर गाना सुनाते हैं। ये कभी को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट द लास्ट स्टेंजा, सोलिटिल कॉज फॉर कैरोलिंग्स ऑफ सच एस्थेटिक साउंड वॉज रिटन ऑन टेरिस्ट्रियल थिंग्स फॉर और नी अराउंड दैट आई कुड थिंक देयर ट्रम्बल थ्रू हिज हैप्पी गुड नेयर सम ब्लिस्ड होप। सी द लाइन, सम ब्लिस्ड होप फॉर ऑफ यू ही न्यू एंड आई वॉज अनवेयर। थॉमस हार्डी बताते हैं, कोई जरूर कोई कारण होगा फॉर कैरोलिंग्स, ऐसा गाना गाने का इतना खुश होकर, एस्थेटिक साउंड, इतना आनंदित होकर, इतना खुशी से, बहुत ज्यादा खुश होकर ऐसा गाना सुनाने के पीछे जरूर कोई कारण तो होगा, जरूर कोई कारण होगा। वॉज रिटन ऑन टेरिस्ट्रियल थिंग्स ए फॉर नी अराउंड, जबकि सामना सामने में इस टेरिस्ट्रियल थिंग्स, टेरिस्ट्रियल एनिमल, यू नो दैट एनिमल्स व्हिच लिव ऑन द लैंड, जमीन पर रहने वाला जीवों को टेरिस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। तो इस टेरिस्ट्रियल थिंग्स में चारों तरफ और वो देख रहे हैं, जो जमीन पर जो जीव है वो नहीं के बराबर है, कोई जर्मिनेशन नहीं है, कोई नया अंकुर नहीं है, लाइफलेस देख रहे हैं। ऐसा जगह पर एक छोटा सा चिड़िया इतना खुशी का गाना गा रहा है, जरूर कोई कारण तो होगा। सो लिटिल कॉज फॉर कैरोलिंग्स, कोई तो कोई छोटा सा भी कारण होगा। और पोएट बताते हैं, ए थ्रस सम ब्लिस्ड होप, कोई आशा की किरण दिखा रही है। मीन्स दैट ए सेंचुरी खत्म होने के बाद, मैंने पहले बताया जो 19th सेंचुरी का लास्ट में ये पोएट ने लिख रहा है, 31st December 1899, मीन्स दैट कल से नया सदी का शुरुआत होगा, 20th सेंचुरी शुरू होगा, 20th सेंचुरी विल बी स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो। नया जीवन, नया होप, यही मैसेज एक छोटा सा चिड़िया थॉमस हार्डी को देता है। द थ्रस सीम्ड टू बी हैप्पी फॉर सम रीजन व्हिच द पोएट डिड नॉट अंडरस्टैंड, कभी को पता ही नहीं था, मालूम नहीं है, समझ नहीं पाए, कभी ने समझ नहीं पाए, वो छोटा सा चिड़िया ने बताया। प्रॉब्ली द बर्ड हैड सम ब्लेस्ड होप ऑफ व्हिच द पोएट हैड नो नोशन एट ऑल, कवि को जबकि इस चीज को मार्क नहीं किए, लेकिन इस बार्ड ने, डार्कलिंग थ्रस, उनको ये मैसेज दे के गए कि नहीं, न्यू होप, नया आशा के साथ जियो और
20th सेंचुरी को वेलकम करो। ऐसे ही हम लोग भी अपना जीवन में कभी भी निराश नहीं होना, नेवर यू बी होपलेस, ऑलवेज बी होपफुल, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, गुड बाय।